हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी कक्षा में जो श्री ईशोपनिषद पर आधारित है। इस कक्षा में हम श्री ईशोपनिषद में दिए गए प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहेंगे। आज की हमारी ये पांचवी कक्षा है जो मंत्र संख्या 2 पर आधारित है। इससे पूर्व की कक्षाएं YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर उपलब्ध हैं, जिस पर आप जाकर पूर्व की जो पहली 4 कक्षाएं हैं उनको आप सुन सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा के आरंभ में मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत। आज की इस कक्षा श्री ईशोपनिषद मंत्र संख्या 2 में, किंतु मंत्र संख्या 2 के ऊपर चर्चा करने से पहले हम पिछली कक्षा के ऊपर पुनरावलोकन करेंगे। एक बार पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चा करी थी उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। भक्तों से अनुरोध है कि अपने माइक्रोफोन कृपा करके म्यूट कर लें, धन्यवाद। देखिए, पिछली कक्षा में हमने ईशोपनिषद का मंत्र संख्या 1 पर अपनी चर्चा करी थी और ये मंत्र इस प्रकार था, ईशावास्यम इदम सर्वम सर्व यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कस्य स्विद्धनम। और मंत्र का अनुवाद इस प्रकार था कि जो कुछ भी इस जगत में जड़ अथवा चेतन वस्तु है वह सब भगवान द्वारा नियंत्रित है, वह सब भगवान की संपत्ति है। और भगवान ने मनुष्य के लिए कुछ वस्तुएं अलग से नियत कर रखी हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अपने नियत भाग को ही स्वीकार करें और अन्य किसी के भाग पर अपना अधिकार ना जमाए। और इस पर विस्तृत व्याख्या करी गई थी। व्याख्या में हमने प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनमें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 7 अनुच्छेदों में, बल्कि माफ कीजिए 11 अनुच्छेदों में इस मंत्र का तात्पर्य लिखा है और अनुच्छेदों का अलग अलग विभाग करके अलग अलग विषयों के ऊपर हमने चर्चा करी थी। सबसे पहले हमने इस विषय पर चर्चा करी प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार कि वैदिक ज्ञान अमोघ है। वैदिक ज्ञान अमोघ का अर्थ है कि वैदिक ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वह 4 दोषों से मुक्त है। इसके विपरीत मनुष्य का या मानव का ज्ञान जो है वो 4 दोषों से युक्त है। तो मनुष्य के ज्ञान से हम भगवान के ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। तो ईश्वर के संबंधित ज्ञान को हम सिर्फ वेदों के माध्यम से ही जान सकते हैं जो स्वयं ईश्वर ने ही हमें दिए हैं, स्वयं ईश्वर ने ही हमें बताया है कि ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी मूल विषय पर आते हैं श्लोक के, और मूल विषय यह है कि श्री ईशोपनिषद का यह श्लोक, यह मंत्र हमें बता रहा है कि सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है। अब इसका प्रमाण देने के लिए प्रभुपाद जी जो है वो वैदिक ज्ञान का ही सहारा लेते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि वैदिक ज्ञान अमोघ है। तो वैदिक ज्ञान का सहारा लेने हेतु
वह भगवत गीता के 7वें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक का आधार बनाते हैं, और उसके आधार पर वे हमें बता रहे हैं कि ईश्वर कैसे इस पूरे जगत का, जड़ चेतन वस्तुओं का स्वामी है। तो चौथे श्लोक में बताया गया है कि कैसे ईश्वर जो है जड़ वस्तुओं के स्वामी है, भूमि रपो अनुलो वायु खम मन बुद्धि रेव च, और पांचवें श्लोक में बताया गया है कि कैसे ईश्वर जो है वो चेतन वस्तुओं के भी स्वामी है। तो गीता के आधार पर भगवान के स्वामित्व की, ईश्वर के स्वामित्व की प्रमाण जो है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी इस विषय पर आते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए नियत भाग अलग कर रखा है, कि जो मनुष्य के उपभोग के लिए है मनुष्य केवल उसी में ही अपना अधिकार जमावे, किसी अन्य वस्तु पर अपना अधिकार साबित करने का प्रयास न करे। तो उसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पर गाय के दूध का उदाहरण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि गाय कैसे प्रचुर मात्रा में दूध देती है, और इतना दूध देती है कि बछड़े के उपभोग के बाद भी, बछड़े के पान करने के बाद भी काफी मात्रा में दूध जो बच जाता है वह वास्तव में मनुष्य के उपभोग के लिए है, मानव के उपभोग के लिए। तो ये उदाहरण उन्होंने इस बात को समझाने के लिए दिया है कि कैसे हमारे लिए, मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए एक नियत भाग निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रभुपाद जी इस उदाहरण को, नियत भाग को समझाने के लिए एक अनेक अन्य उदाहरण देते हैं, और इस बार देते हैं भूमि, भूमि का उदाहरण, कि ये जो भूमि है, जो धरती है, ये कैसे ये भी ईश्वर की ही संपत्ति है, और मनुष्य जब इस भूमि पर रहे, जब इस भूमि पर अपना आवास बनाए, अपना मकान इत्यादि इसका उपभोग करे, तो उसको कैसे करना चाहिए, और नियत भाग का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो नियत भाग का अर्थ यहाँ पर यह है कि ईश्वर जब भगवान की बनाई हुई इस धरती का जब उपभोग करे, तो सदैव यह स्मरण रखे कि वास्तव में यह धरती जो है वो ईश्वर की है। जैसे किराए के मकान में जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसके मन में सदैव यह भावना रहती है कि इसका मकान मालिक कोई और है, ये उसका मकान नहीं है, और उस मकान में भले ही वह रह जरूर रहा है लेकिन मन में सदैव भाव ये है कि ये उसका मकान नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि इस धरती पर हम अपनी कोई संपत्ति बनाते हैं, कोई भूमि हम उसका अधिग्रहण करते हैं, अपना कोई मकान बनाते हैं, तो हमें ये आभास रहना चाहिए कि वास्तव में हमने भगवान की दी हुई सामग्रियों से ही, भगवान की दी हुई वस्तुओं से ही इस भवन का निर्माण किया है जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं, और जीवन के अंत के बाद हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और ये मकान जो है वो किसी और को प्राप्त हो जाएगा, भले ही वो आपकी संतान हो या संतान किसी और को बेच दे, लेकिन इसी प्रकार से ये जीवन चलता है। तो मनुष्य यदि इस बात को ध्यान रखे कि धरती वास्तव में ईश्वर है, तो ये एक प्रकार से यही बात हुई कि मनुष्य इस बात को मान रहा है कि उसके लिए एक भाग जो है वो निकाल के रखा था, एक कुछ समय के लिए उसको ये उपभोग के लिए दी गई, उसके बाद फिर वो उससे ले ली जाएगी। तो इस तरह से ये धरती पर भी ये उदाहरण, ये सिद्धांत जो है वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं। उसके बाद हमने अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनके ऊपर चर्चा करी कि कैसे पूंजीवादी जो विचारधारा है वो कैसे धरती पर अपना अधिकार समझती है, कैसे साम्यवादी जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा का अर्थ जो है सामान्य भाषा में कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लोग होते हैं, उनकी विचारधारा भी कैसे धरती के ऊपर स्वामित्व की भावना का निर्धारण करती है। तो दोनों ही विचारधाराओं में वास्तव में हमने ये देखा कि दोनों ही विचारधाराएं त्रुटिपूर्ण हैं, अपूर्ण हैं अपने आप में, क्योंकि इन दोनों ही विचारधाराओं में ईश्वर का जो सिद्धांत है, ईशावास्य का जो सिद्धांत है, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। पूंजीवादी सोचता है कि जो जिसके पास अधिक पूंजी है, जिसके पास अधिक ताकत है, वह स्वामी कहलाएगा। साम्यवादी सोचता है कि नहीं, सबके लिए दी गई है प्रकृति जो है, उस पर सबका अधिकार समान रूप से है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन अंततोगत्वा सब में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। लेकिन दोनों ही विचारधाराएं एक तरह से अपूर्ण हैं। पूंजीवादी विचारधारा में व्यक्ति जो है वो निचले वर्ग के, या जो कम जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो इतने उन्नत नहीं हैं, इतने विकसित नहीं हैं, उनका शोषण किया जाता है,
और साम्यवादी विचारधारा में एक प्रकार से असंतोष की भावना रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक गुणवान है उससे लेकर ऐसे व्यक्ति को उसकी संपत्ति दे दी जाती है जो कम गुणवान है। तो इस तरह से जो अधिक गुणवान है उसमें असंतोष की भावना रहती है, जो कम गुणवान है उसे बैठे बिठाए संपत्ति मिल जाती है, तो वह आलस्य को जन्म देती है इस प्रकार की विचारधारा। इसके तुलना में हमने इस बात पर चर्चा करी कि कैसे वैदिक वर्णाश्रम की जो विचारधारा है वो अपने आप में पूर्ण है और अपने आप में समाज के हर वर्ग की संतुष्टि हर स्तर पर करने में सक्षम है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि वर्णाश्रम व्यवस्था में दो भाग होते हैं, एक वर्ण व्यवस्था होती है और एक आश्रम व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जीव जो है वो जीव का जो शारीरिक जो गुणात्मक रूप से अंतर है, कोई अधिक गुणवान है, कोई कम गुणवान है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उसको अपने अपने गुणों के अनुसार आजीविका का पालन करने का अवसर दिया जाता है, अवसर मिलता है, जिससे वह शारीरिक रूप से मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। जब अपने पसंद का काम करता है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, तो संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था में उसे आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान की उसको एक प्रकार से प्रशिक्षण मिलता है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से वह समझता है ईशावास्य का सिद्धांत क्या है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से वो ईश्वर के निकट जाता है और समाज में हर वस्तु को वो ईश्वर की वस्तु के रूप में देखता है, समाज में हर प्राणी को वह ईश्वर की संतान के रूप में देखता है। तो इस प्रशिक्षण से उसके मन में शोषण करने की जो भावना है उस पर लगाम लगती है। तो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो अपने आप में पूर्ण है, इसमें शोषण का प्रावधान नहीं है, इसमें एक व्यक्ति के जो मानसिक और शारीरिक रूप से उसके जो संतोष, जो उसको कार्य करके जो संतोष मिलता है, उसकी पूरी व्यवस्था इसके अंदर दी गई है। तो इस पर भी हमने बड़ा विस्तार से पिछली कक्षा में चर्चा करी थी। फिर इस बात पर चर्चा हुई कि ये जो ईशावास्य सिद्धांत है, ये इस भौतिक जगत में कैसे इसको हस्तांतरित किया जाता है। सिद्धांत तो भगवान का है, भगवान की शिक्षा है, लेकिन भगवान की शिक्षा जो इस जगत में कैसे हस्तांतरित किया जाता है, उस पर हमने पूरा एक श्रृंखला देखी। हमने देखा कि कैसे भगवान का जो ये जो जो शिक्षा है वो कैसे ब्राह्मणों को प्राप्त होती है वेदों के माध्यम से। ब्राह्मण जो समुदाय है वो वेदों का अध्ययन करके इस बात को सब समझते हैं। फिर क्षत्रियों के माध्यम से, जो कि समाज का कार्य पालन करने के लिए जिनके पास शक्ति होती है, शस्त्र की शक्ति होती है, उस शक्ति के माध्यम से वो कैसे इस पूरी शिक्षा प्रणाली को, इस पूरे सिद्धांत को, ईशावास्य के सिद्धांत को संपूर्ण समाज में हर प्रत्येक जीव के पास पहुंचाते हैं। तो ये हमने पूरी श्रृंखला पिछली कक्षा में देखी। उसके बाद हमने भोजन में ईशावास्य सिद्धांत को कैसे लागू किया जाता है इसके बारे में चर्चा करी। हमने विशेष रूप से दो बार विषयों को लेकर चर्चा करी, कैसे शाकाहार को अपनाकर, मांसाहार को त्याग कर और शाकाहार को अपनाकर हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और शाकाहार से भी एक स्तर ऊपर उठने का मतलब यह है कि हम उस भोजन को केवल शाकाहारी होने के कारण नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि उस शाकाहारी भोजन को भी हम भगवान को अर्पण करते हैं इस भाव को जागृत करने के लिए कि ये वास्तव में भगवान की संपत्ति है, भगवान पहले उसका उपभोग करें और फिर वो जो प्रसाद के रूप में हमारे लिए छोड़ देते हैं उसे हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इससे इन दोनों ही सिद्धांतों से हम भगवान का जो ईशावास्य का जो सिद्धांत है कि संपत्ति भगवान की है, शाकाहार जो है वो हमारे नियत भाग जो है हमारे लिए रखा गया है, शेर जो है वो मांस खाता है, शेर शाकाहारी नहीं है, उसके लिए नियत भाग क्या है, उसके लिए नियत भाग मांसाहार है, लेकिन मनुष्य के लिए, मानव के लिए नियत भाग क्या है, शाकाहार है। और हमने कई उदाहरण देकर आपको ये समझाया कि कैसे वास्तव में शाकाहार मनुष्य का भोजन है, और प्रसाद अर्पण करके हम भगवान के प्रति अपना प्रेम का भाव भी भगवान को प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने ये समझा कि भाई पेड़ पौधों को, यदि कोई कहे कि भाई पेड़ पौधों को काटने पर भी हिंसा होती है, तो हमने ये बताया कि भाई पेड़ पौधों के प्रति से जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, उस भोजन प्राप्ति करने में हिंसा का जो स्तर है वो न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। और हमने कई कारण आपको बताया कि भाई कैसे पेड़ पौधों के प्रति हिंसा न्यूनतम होती है। फिर वैदिक संस्कृति में भी मांसाहार होता है, लेकिन वो एक अनुमति के रूप में है। अनुमति मतलब कि जो लोग वास्तव में मांसाहार का त्याग नहीं कर सकते,
मांसाहारी भोजन के प्रति उनका जो स्वाद है, उनकी जो जिह्वा है, वो इतनी मतलब वो उसके प्रति इतनी आसक्त हो चुकी है, उसका आकर्षण इतना है कि उसे त्याग नहीं कर सकता वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मांसाहार की अनुमति दी गई है, लेकिन वो भी यदि धार्मिक तरीके से करे तो उस मांसाहार की अनुमति उसको दी गई है। तो लेकिन उन धार्मिक रीति रिवाजों को यदि ध्यान से उसका निरीक्षण किया जाए तो वास्तव में अंततोगत्वा इन धार्मिक विधि विधानों का जो उद्देश्य है उनका उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति को मांसाहार से अंततोगत्वा दूर ले जाना। जैसे हमने आपको बताया कि यदि वो जानवर का वध करता है तो उसके उसके कान में जाकर वो बोलता है मांस। मांस शब्द का अर्थ है मांसा, मांस। तो मांस शब्द से मांस शब्द बना है। तो मांसा का मतलब यह है कि जैसे मैं तुम्हें इस जीवन में भक्षण कर रहा हूं तुम्हारा, ऐसे ही अगले जीवन में तुम मेरा भक्षण करने की अनुमति मैं तुमको देता हूं। अब कोई व्यक्ति किसी के कान में, जानवर के, पशु के कान में ये बोलेगा तो उसके मन में धीरे धीरे ये भावना आएगी, अरे भाई मैं क्यों ऐसा बोलूं, क्यों किसी को खाऊं कि अगले जीवन में वो मुझे खा सके। तो इस प्रकार से अनुमति का रूप है, अनुशंसा नहीं है। अनुशंसा का मतलब होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि ये कार्य हमें करना चाहिए, उस पर बल दिया जाता है कि ऐसा करेंगे तो आप प्रगति करेंगे। तो ये अनुशंसा नहीं है, एक अनुमति है कि भाई ठीक है, करना चाहते हो और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है तो करो, तो फिर ऐसे करो। फिर वो विधि ऐसी बताई गई है कि अंततोगत्वा उसको मांसाहार से दूर ले जाते। अंत में हमने देखा पूरा इस सब ईशावास्य सिद्धांत के ऊपर जो चर्चा हुई प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से, अंततोगत्वा हमने ये बात समझने की कोशिश करी कि ईशावास्य सिद्धांत की अवमानना यदि मनुष्य करता है तो उसे पाप और दुख उसको झेलना पड़ता है। और वास्तव में आज का ये जो मंत्र है, मंत्र संख्या 2, उसमें हम इसी बात के ऊपर अधिक चर्चा आज करेंगे। तो आज की कक्षा का मंत्र 2 का जो विषय है वो है ईश्वर के अनुसार जीने के क्या लाभ हैं। तो ईश्वर के अनुसार जीने के लाभ क्या हैं, उस पर विस्तार से आज के इस मंत्र संख्या 2 में चर्चा की जाएगी। तो मंत्र संख्या 2 में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर आपके सामने यहाँ ईशोपनिषद का अवलोकन मानचित्र है। पहले विभाग में हम यहाँ पर देखिए ईश्वर के अनुसार जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मंत्र संख्या 3 तक यह चर्चा चलेगी। ईश्वर के अनुसार यदि हमें जीवन जीना है तो हमें यह जानना होगा कि ईश्वर कौन है। ईश्वर को जानने के लिए हमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमें विद्या, हमें शिक्षा लेनी होगी। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सही शिक्षा और गलत शिक्षा कौन सी है जिससे हम ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण का जागरण कर सकें। और जब ये शिक्षा हमें मिल जाए तो हम वास्तव में, हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में ईश्वर के प्रति हमें सही और गलत उपासना, वो क्रियाकलाप कौन से हैं जो हमें ईश्वर के प्रति करने चाहिए और वो कौन से क्रियाकलाप हैं जो हमें ईश्वर के प्रति नहीं करने चाहिए। और फिर अंततोगत्वा ईश्वर कोई हमारे दास नहीं है, ये ईश्वर के प्रति यदि हम उनकी कृपा चाहते हैं तो हमें प्रार्थना ईश्वर से करनी होगी कि वे हमें अपना स्वीकार करें। हम वास्तव में उनसे जो भटक चुके हैं, हम उनसे जो विलग हो चुके हैं, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपना दर्शन दें और हमें अपने परिवार में, अपने घर में स्थान दें, हमें अपना दर्शन दें। तो इस प्रकार से ये 5 विषय हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं 5ों विषयों को वास्तव में जो उनका प्रवाह है, इन विषयों का जो प्रवाह है वो यहाँ पर एक स्लाइड में मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिख दिया है। हमें ईश केंद्रित जीवन जीना चाहिए और यह संभव होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ऐसा दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है उचित विद्या के अर्जन से, और उचित विद्या के अर्जन के बाद उचित उपासना से इस दृष्टिकोण को अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में लाया जाता है। और दैनिक व्यवहार में लाने के अतिरिक्त हमें अंततोगत्वा भगवान से, ईश्वर से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो हमारी, हमें अपनी कृपा प्रदान करें। तो देखिए ये 5-6 शब्द यदि आप याद रखें तो इससे आपको ईशोपनिषद का जो विषयों का जो प्रवाह है, पूरे 18 मंत्रों का जो प्रवाह है, वो आपको बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। ईश केंद्रित जीवन, पहले 4 मंत्रों में ये चर्चा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसके बाद ये चर्चा है। उचित विद्या, मंत्र संख्या 9 से 11 तक उचित विद्या। उचित उपासना कौन सी है, 12 से 14। और फिर भगवान से याचना, 15 से लेकर 18। ईश केंद्रित जीवन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण,
उचित विद्या, उचित उपासना और याचन। तो ये विषयों का प्रवाह ईशोपनिषद में इस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब हम आएंगे ईश स्तुति और मंत्र संख्या एक, जो जिस विभाग पर हम विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें चार मंत्रों का हमने अध्ययन करना है। पहले दो मंत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं, ईश स्तुति और मंत्र संख्या एक। ईश स्तुति में हमने देखा ओम पूर्णम इदम पूर्णास पूर्णम उदच्यते, पूर्ण के ऊपर हमने, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर से जो कुछ आता है वह पूर्ण है और पूर्ण से आने के, पूर्ण के आने के बाद भी वह पूर्ण ही बना रहता है। मंत्र संख्या एक में हमने देखा ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक वस्तु ईश्वर की संपत्ति है। आज मंत्र संख्या दो में हम चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति ईश्वर को, प्रत्येक वस्तु को अपनी संपत्ति, ईश्वर की संपत्ति मानता है, उसकी संपत्ति मानता है, वह इस प्रकार से जब जीवन जीता है तो उसके क्या लाभ हैं, और मंत्र संख्या तीन में जो ईश्वर विरोधी जीवन जीता है उसके क्या नुकसान है, क्या उसकी हानियां हैं। तो आज की संख्या मंत्र संख्या दो पर हम अपनी चर्चा को अब उसमें प्रवेश करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कक्षा में से कोई भक्त जो है वो मेरे साथ आज का ये जो मंत्र है उसको मेरे पीछे दोहराएं। तो कौन भक्त जो है वो मंत्र दोहरा सकते हैं? प्रभु जी मैं प्रयास करूं। अच्छा प्रभु जी, राकेश प्रभु जी प्रयास करेंगे। चलिए मंत्र संख्या दो श्री ईशोपनिषद। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति, एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति, ना कर्म लिप्यते नरे, ना कर्म लिप्यते नरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। कुर्वन एव इह कर्माणि, पहली पंक्ति का अर्थ देखेंगे। कुर्वन, कुर्वन का अर्थ है करते हुए, इस प्रकार निरंतर करते हुए। इव एव इह, कुर्वन एव इह, इह का अर्थ है इस प्रकार से, इस जीवन काल में, इस प्रकार से इस जीवन काल में निरंतर कर्म करते हुए। तो ये इस प्रकार से जो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर शब्द जो आया है एव, वो वास्तव में मंत्र संख्या एक को इंगित कर रहा है। तो मंत्र संख्या एक का क्या भाव है? मंत्र संख्या एक का भाव है के प्रत्येक वस्तु ईश्वर द्वारा नियंत्रित है, प्रत्येक वस्तु ईश्वर की संपत्ति है, अपने नियत भाग पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अपने जो तुम्हारा नियत नहीं है, भाग नियत नहीं है तुम्हारे लिए, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये है। तो यहां कुर्वन नेव इह, यदि कोई इस प्रकार कर्म करता रहे, कुर्वन नेव इह कर्माणी, कर्माणी का शब्द है कर्म करना, कुर्वन मतलब करना, कर्म करना, इस प्रकार यदि कोई कर्म करता रहे, किस प्रकार करता रहे, जैसा कि मंत्र संख्या एक में बताया गया है, ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार यदि यदि कोई कर्म करता रहे, तो पहली पंक्ति का अर्थ यह है। दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है? उसका परिणाम क्या होगा? यदि कोई ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कर्म करता है तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, तो वह सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा कर सकता है। जिजी विशेत शतम समा, जिजी विशेत शतम समा, जिजी विशेत मतलब है जीने की इच्छा, जिजी विशेत का अर्थ है जीने की इच्छा, और ये छतम, छतम ये वास्तव में संधि विच्छेद होने के बाद छतम हो गया है, लेकिन वास्तव में मूल शब्द है शतम, श से शलजम, तो शतम, शतम का मतलब होता है शत, शत का मतलब होता है सैकड़ों, एक सौ, शत का मतलब होता है सैकड़ों, जैसे क्रिकेट के खेल में शतक लगाया जाता है, तो शतक का मतलब हो गया सौ रन पूरे हो गए। तो जिजी विशेष छतम समाह, समाह का मतलब है वर्ष, तो वह सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा कर सकता है, सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा कर सकता है। आगे देखें, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, अब ये तीसरी पंक्ति जो है हम यहाँ देखेंगे, बल्कि तीसरी पंक्ति सबसे बाद में देखेंगे, पहले चौथी पंक्ति देखेंगे। ना कर्म लिप्यते नरे, तो जो व्यक्ति ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कर्म करता है वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, और न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा।
ऐसा कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। और फिर अंत में यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कहा गया है, एवं त्वयि नान्यते तु अस्ति, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग के अतिरिक्त, इस मार्ग के अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ कि भाई जो मंत्र संख्या एक में जो मार्ग बताया गया है, मंत्र संख्या एक में जो दृष्टिकोण दिया गया है कि सब संपत्ति ईश्वर की है, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, तुम्हारे लिए एक नियत भाग है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भाग है उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि ईशावासी सिद्धांत के अनुसार कोई काम करता है, कोई कार्य करता है, तो वह ऐसा कार्य करते हुए लंबे समय तक जीवन जीने की आकांक्षा कर सकता है, और यदि वो ऐसा करेगा तो उसे कर्म का कोई बंधन नहीं होगा, और इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। अब वो कहेगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं इस जीवन में, इस जगत में, जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते, तो ठीक है, इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, चूंकि वो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो वो बार बार कर्म के नियम से बंधते रहते हैं। तो ये उसके लिए, ये उनके लिए है कि भाई यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई इसके अतिरिक्त ये जैसे ये श्लोक कह रहा है कि अन्य कोई मार्ग नहीं है, तो कोई व्यक्ति विरोध कर सकता है कि भाई नहीं, मार्ग तो है, और लोग भी तो जी रहे हैं इस दुनिया में, हाँ जी तो रहे हैं, लेकिन यदि वो इस नियम के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो उसका हानि, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है, और वो नुकसान क्या है कि वो कर्म के नियम से बंध जाते हैं। लेकिन जो ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कर्म करता है वो कर्म के नियम से नहीं बंधता है। तो ये मूलतः इस मंत्र का भाव है। अब आगे हम चलते हैं, यहां पर देखिए, यहां जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र में एक परिवार दिखाया गया है, परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, संतान है, और ऊपर आकाश में आप देखिए अनेक प्रकार के देवी देवता दिखाए गए हैं, और उन देवी देवताओं से भी ऊपर देवों के देव, एक तरह से देवों के भी एक प्रकार से देवता भगवान श्री कृष्ण, जिनकी अध्यक्षता में ये सब प्रकृति कार्य करती है, उनको दिखाया गया है। तो यहाँ इस चित्र को दिखाने के पीछे भाव ये है कि हम यदि अपने जीवन में, और यहाँ इस परिवार में दिखाया गया कि भगवान का भजन कर रहे हैं, पूरा परिवार जो है भगवान का भजन कर रहा है, तो ये मानना चाहिए कि ये परिवार जो है ईशावासी सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है। माफ कीजिए, हरे कृष्णा, कोई बात। तो ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आप अपने जीवन को भगवान के अनुसार जिएंगे तो आप सुख से अपना जीवन जी सकते हैं। अगला आगे चलेंगे अब हम। देखिए यहां पर कुछ शब्दों का अर्थ दिया गया है, जो इन शब्दों का यदि आपको अर्थ जानकारी हो इसकी, तो आपको ईशोपनिषद का ये जो मंत्र है उसको समझने में बड़ी सहूलियत होगी। तो जी विषेद जीने की इच्छा, शतम मैंने जैसे आपको समझाया, 100, ना अन्यथो मतलब यदि कोई इस प्रकार से जीवन नहीं जीता है तो और कोई विकल्प उसके सामने नहीं है, अगर कोई जीता है तो उसको कर्म के बंधन में बंधना पड़ेगा, और लिप्यते का अर्थ है बंधना, कर्म के बंधन में बंधना। इसका तात्पर्य है, मंत्र दो का तात्पर्य यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें 7 पैराग्राफ हैं, 7 अनुच्छेद दिए गए हैं, और हर अनुच्छेद का अपना अपना एक विषय है, पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर चौथा, 7 तक। तो तात्पर्य का विषय अनुसार विभाजन किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या एक में किस विषय को उठाया गया है, कर्म संख्या, अनुच्छेद संख्या एक में जिस विषय को उठाया गया वो है कर्म बंधन जन्म एवं मृत्यु का कारण है। उस बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे यदि हम कर्म के बंधन में पड़ते हैं तो हमें उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, इस बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि भाई यदि हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो मनुष्य योनि में अकर्म द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति संभव है। तो हम ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि हम अकर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अकर्म के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो वेद अंततः अकर्म की ओर ले जाता है, अंततः
अकर्म की ओर ले जाता है। अकर्म की ओर ले जाने से हम क्या भाव समझ रहे हैं कि वेदों में वास्तव में हर प्रकार की व्यवस्था है, और कैसे वो धीरे धीरे जो व्यक्ति वेदों के प्रति आकर्षित होता है तो कैसे धीरे धीरे उसको अकर्म की ओर ले जाता है। तो अकर्म के भी कई स्तर हैं, एक प्रारंभिक स्तर है और एक अंत में स्तर है। एक एक जिसे कहते हैं कि एक जो एडवांस जो उसकी जो लेवल है, एडवांस जो उसका स्तर है अकर्म का, वो भी एक उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन इस जो अकर्म की ओर जो एक प्रारंभिक अवस्था है और जो अंतिम अवस्था है, जो चरम अवस्था है, उसका आरंभ कहाँ से होता है? उसका आरंभ होता है इंद्रिय भोग को ईश केंद्रित करने पर। इंद्रिय भोग मतलब जीव जब इस जगत में आता है तो मुख्य रूप से उसका आकर्षण रहता है इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना। तो सबसे पहले वेदों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, सर्वप्रथम वो ये है कि भाई ठीक है, तुम इंद्रिय भोग करना चाहते हो, तुम वास्तव में अच्छा धन कमाना चाहते हो, अच्छी संतान चाहते हो, अच्छा पति अच्छा पत्नी चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, ठीक है तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसमें धीरे धीरे भगवान का एक प्रकार से उसके अंदर भावना जो है ईश केंद्रित करो, उस भावना को, इंद्रिय तृप्ति की भावना को भी ईश्वर से जोड़कर आप जब करोगे तो वह इंद्रिय भोग भी ईश केंद्रित हो जाएगा। और फिर रूपा जी इस बात को समझा रहे हैं कि भाई यदि ईश केंद्र में नहीं है, भगवान केंद्र में नहीं है हमारे जीवन में, तो वास्तव में सब कुछ व्यर्थ है, हर बात जो है बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर अनुच्छेद 6 में वो ये बात समझाते हैं कि यदि हमें परोपकार भी करना है तो वह भी ईशावास से भावना से करें। देखिए अनुच्छेद 4 में इंद्रिय भोग के बारे में है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बातचीत की जा रही है जो परोपकार की भावना रखते हैं। एक जीव जो है दूसरे जीव के प्रति कुछ परोपकार करने की भावना रखता है, लेकिन वो परोपकार भी ऐसे करता है जो ईश केंद्रित नहीं है, भगवान को केंद्र में रखकर नहीं किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ अनुच्छेद 6 में बता रहे हैं कि भी परोपकार की भावना भी यदि करनी है तो ईशावास्य भावना से करें, ईश्वर को केंद्र में रखकर करें। और फिर अंत में अनुच्छेद 7 में वो एक अपनी पुस्तकों का एक उदाहरण देते हैं कि किस मस्तक के माध्यम से हम सर्वश्रेष्ठ ईश केंद्रित कार्य कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 7 अनुच्छेदों में प्रभुपाद जी ने इस मंत्र की संपूर्ण व्याख्या करी है, बड़ी सुंदर व्याख्या करी है, और उस पर हम धीरे धीरे अपनी चर्चा आज यहाँ पर करेंगे। तो देखिये प्रभुपाद जी अनुच्छेद 1 यानी कि पहले पैराग्राफ का जो आरंभ करते हैं किस प्रकार से करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई भी मरना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि भाई मरना कोई भी नहीं चाहता, सब जो है वो लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं। तो वास्तव में हमें जन्म और मृत्यु का जो हमारा जो ये जिस चक्र में हम पड़े हुए हैं, इस भौतिक जगत में जो जीव हैं वो हम जन्म और मृत्यु के जो चक्र में जो पड़े हुए हैं, उसका जो मूल कारण है वो है कर्म बंधन। उसका मूल कारण है कर्म बंधन। कर्म बंधन से हम जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं। और कर्म के बंधन से क्या हम मुक्त हो सकते हैं? अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि देखिए हम जब इस जगत में रहते हैं तो इस जगत में जीवन जीना अपने आप में वास्तव में एक बड़ा संघर्ष है। समस्त जीवन जीवों के लिए विकट जीवन एक संघर्ष है। इस जीवन में हम जीवन जीते हैं तो आरंभ से ही बच्चा जब छोटा होता है, छोटी आयु का होता है, तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जाना नहीं चाहता है लेकिन जाना पड़ता है। उसको माता पिता समझाते हैं कि स्कूल जाओगे, विद्यालय जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो भविष्य अच्छा होगा। इस प्रकार से हर वो कार्य हम इस अपने जीवन में करते हैं जो वास्तव में हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें वो करना हमें एक प्रकार से पड़ता है, या हम करने में उसमें संलग्न होते हैं। और वो क्यों? क्योंकि जीवन में हम अपना संघर्ष जो है वो हमेशा कम करना चाहते हैं, संघर्ष का जो स्तर है उसके वो हमेशा घटाने में लगे रहते हैं। फिर आजीविका हेतु भोजन करने के लिए, रहने के लिए, कोई ना कोई समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए आजीविका हेतु कर्म करना अवश्यंभावी है। तो यहाँ एक प्रकार से
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कर्म बंधन जीवन में जन्म और मृत्यु का कारण है। जब हम हम कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हों, क्योंकि हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करने से हम बच नहीं सकते हैं। तो भोजन करने के लिए, रहने करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक हम अपना कर्म नियत कर्तव्यों के अनुसार नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे। तो कर्म करना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन उस कर्म को हम जब तक उचित ढंग से नहीं करेंगे, हम उसको शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते ही रहना पड़ेगा। और जन्म और मृत्यु के चक्र में हम पड़ते रहेंगे और अनेक अनेक योनियों में हम घूमते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। तो यहां पर वास्तव में प्रभुपाद जी इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, कर्म से कोई बचना नहीं है, लेकिन कर्म हम कैसे करते हैं उस बात से यह बात हमें वास्तव में अगर हम उचित ढंग से कर्म करते हैं तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बचे रहेंगे, और यदि हम अनुचित ढंग से कर्म करते हैं तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। और यहां पर इसी बात को समझाने के लिए भगवद गीता का ये जो 13वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, इसके माध्यम से हम इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 13वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है वो क्या कहता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणं गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। पहली पंक्ति क्या है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान गुणान, और दूसरी पंक्ति है भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान गुणान। भुङ्क्ते का अर्थ होता है आनंद लेना, भोग करना। तो इस पहली दूसरी पंक्ति का अर्थ यह है कि जो जीव है वो इस भौतिक जगत में भोग करता है, आनंद लेता है, और इस प्रकार से इस प्रकृति का भोग करते हुए वो अपना इस प्रकृति के अंदर ही जीवन बिताता रहता है। और जब वो इस प्रकृति के अंदर अपना जीवन बिताता है, प्रकृति के साथ भोग करता है, प्रकृति का आनंद उठाता है, तो वह प्रकृति के भोगों के प्रति उसका लगाव हो जाता है, उसका आकर्षण हो जाता है, उसकी आसक्ति हो जाती है। और यही जो आसक्ति है, यही जो लगाव है, वास्तव में कारणम गुण संगस्य, कारणम गुण संगस्य, गुण संगस्य मतलब ये जो प्रकृति के जो अच्छी अच्छी जो यहाँ सुंदर सुंदर जो आकर्षित करने वाली जो बातें हैं इस जगत के अंदर, वो जब जीव को आकर्षित कर लेती हैं, जीव को जब उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो फिर सद असद योनि जन्मसु, सद असद योनि जन्मसु, सद असद योनि जन्मसु का मतलब उसका बाद में, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो या तो अच्छी योनि में या बुरी योनि में उसका जन्म बार बार चलता रहता है। तो पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, पिछली स्लाइड में हमने इस बात पर चर्चा करी कि यदि हम अपने कार्य नियत कर्तव्य के अनुसार नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे, और कर्म बंधन में फंसने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे, और जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़कर हमें अनेक योनियों में घूमना पड़ेगा। लेकिन दूसरी स्लाइड में जो भगवद गीता 13वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें भी हम यही बात वास्तव में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। इसमें जो बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो ये है कि हम भौतिक जगत के आकर्षण से इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें वास्तव में इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वो जो उस आसक्ति में पढ़ने के बाद जो हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारे नियत कर्म हैं या नहीं है। हम तो सिर्फ मात्र आकर्षण में आकर उन कर्मों को करते जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर जब भौतिक जगत में आता है तो उसे मांसाहार करने की लत पड़ जाए, मांसाहार करने की लत पड़ जाए, क्योंकि मांसाहार स्वादिष्ट लगता है, मांसाहार खाने में उसको आनंद आता है, तो मांसाहार करते करते उसे उसकी आसक्ति पड़ जाती है। लेकिन क्या मांसाहार करना उसका नियत कर्तव्य है? नहीं, मांसाहार करना उसका नियत कर्तव्य नहीं है। हमने पिछले ही श्लोक में, पिछले ही मंत्र में देखा कि मनुष्य के लिए वास्तव में भगवान ने, ईश्वर ने शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करी है। तो मांसाहार करते रहने से
फिर उस व्यक्ति को सद असद योनि जन्मसु, उसे अपने जीवन में इन अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता रहता है। अब देखिए यहाँ पर राकेश प्रभु, क्या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं? जी प्रभु जी, पढ़िए जरा। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। देखिए, कृष्ण भावना में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। तो कौन सी चेतना देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है? भौतिक चेतना। क्योंकि, और ऐसी चेतना हमारे भीतर क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। अनादिकाल से, कई जन्म जन्मांतर से हमारी आकांक्षाएं इस प्रकार हैं कि हमें तो भौतिक जगत का भोग करना है, भौतिक जगत में आनंद लेना है। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा, लेकिन मनुष्य को इस विचार को बदलना होगा, और यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इस विचार को कैसे बदल सकते हैं? कौन सा विचार? कि हमें भौतिक जगत का उपभोग करना है, उस विचार को बदलना होगा। और ये विचार कैसे हम बदल सकते हैं? प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही हम इसे बदल सकते हैं। प्रामाणिक स्रोत्र का अर्थ यह है कि जो लोग ईशावास्य सिद्धांत को समझते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि ये सारा जगत भौतिक, ये भौतिक जगत जो है ईश्वर की संपत्ति है, जो इस सिद्धांत को समझते हैं, जो स्वयं अपना जीवन इस सिद्धांत के अनुसार चला रहे हैं, जो स्वयं ये जानते हैं कि इस सिद्धांत के बारे में चर्चा कहाँ की गई है, इस सिद्धांत के बारे में चर्चा वेदों में शास्त्रों के अंतर्गत की गई है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे प्रामाणिक लोगों से ही सुनकर हम अपने इस विचार को बदल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने इस 13वें अध्याय के 22वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो हमने मूलतः दो बातें समझी कि हम अपना विचार कैसे बदल सकते हैं, प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर हम अपना विचार बदल सकते हैं, और हमारे विचार में मूलतः गलती हम कहाँ कर रहे हैं। मूलतः गलती हम कर रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत को अपना मान बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ये भौतिक जगत किसका है? ईश्वर का है। तो ये मूल गलती जो हम कर रहे हैं, इसी कारण से हम कर्म बंधन में बार बार फंस रहे हैं, और वास्तव में हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में हमें फंसना पड़ रहा है। और जन्म और मृत्यु के चक्कर में जब हम फंसते हैं, तो ये कोई बहुत सुखद स्थिति हमारे लिए नहीं है। अब यहां पर देखिए, अनुच्छेद 2 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य योनि में अकर्म द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति संभव है। तो पिछले श्लोक में, पिछले पैराग्राफ में उन्होंने ये बात चर्चा करी कि भाई मृत्यु से हर कोई व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन जब तक कर्म के बंधन में पड़ेगा तो मृत्यु से बच नहीं सकता है। अब यहाँ पर ये उपाय दिया गया है कि भाई मृत्यु से बचना कैसे संभव है। तो मनुष्य योनि में अकर्म द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति संभव है। किस तरह से? मनुष्य योनि जब आपको मिलती है, तो यदि आप अकर्म करते हैं, तो उससे आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अकर्म क्या होता है, अकर्म की परिभाषा समझते हैं, अकर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो तीन शब्द हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म शब्द का अर्थ क्या है? कर्म शब्द का अर्थ है शास्त्र के अनुसार नियत कर्तव्यों के अनुसार कर्म करना, शास्त्र अंतर्गत नियत कर्तव्यों के अनुसार कर्म करना। तो शास्त्र में ब्राह्मण के लिए कर्म लिखे गए हैं, शास्त्र में क्षत्रियों के लिए कर्म लिखे गए हैं, शास्त्र में गृहस्थ के लिए कर्म लिखे गए हैं, पिता का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, संतान का क्या कर्तव्य है, ये सब जानकारी, ये सब बातें जो है आपको शास्त्र में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो उनके अनुसार, उन कर्तव्यों के अनुसार जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको कहते हैं कर्म करना। दूसरा, विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म कहते हैं जब व्यक्ति जो शास्त्र नियत जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उनका, उनके अनुसार कर्म नहीं करता है। वो कहता है कि मैं शास्त्र को क्यों मानूं, मैं तो अपने आप में स्वतंत्र हूं, और अपनी स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए, वह जो शास्त्र के अनुसार जिसे हमें जीवन यापन करने की बात कही गई है,
उसका दुरुपयोग करता है अपनी स्वतंत्रता का और अपने नियत कर्म नहीं करता है, इसे कहते हैं विकर्म। इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं, कर्म का उदाहरण और विकर्म का उदाहरण हम क्या दे सकते हैं। जैसे एक सैनिक है, सैनिक देश की सेना में अपना कार्य कर रहा है, तो सेना में कार्य करते हुए जब वह युद्ध लड़ता है, देश के तरफ से जब युद्ध लड़ता है और उस युद्ध में अपने शत्रुओं की हत्या करता है, शत्रुओं का वध करता है, तो वही उस देश की सरकार जो है उसे सम्मान देती है, उसे मेडल से पुरस्कृत करती है। लेकिन वही सैनिक जब अपने घर आता है छुट्टी पर, और छुट्टी में अपने पड़ोस में अपने जो साथी हैं उनके साथ, मान लीजिए उसका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, और उसके पास जो बंदूक है जो सरकार ने उसे दे रखी है, उस बंदूक से, उस शस्त्र से वह अपने पड़ोसी का, उसकी हत्या कर देता है, तो क्या अब सरकार उसे मेडल देगी? नहीं, सरकार उस पर मुकदमा चलाएगी, सरकार उसे हत्यारा घोषित करेगी और उसे संभवतः फांसी पर लटका देगी। तो यहां देखिए, जब हम किसी विधि विधान के अनुसार अपना कर्म करते हैं तो हमें देश की जो संस्था है, देश का जो संविधान है, वो हमें पुरस्कृत करता है। लेकिन जब हम देश के नियम कानून के अनुसार जब हम कर्म नहीं करते हैं तो वही देश उसी कार्य के लिए, उसी हत्या के कार्य के लिए हमें सजा भी देता है, हमें हमारा एक प्रकार से हमें दोषी ठहराता है। तो इसको कहते हैं कर्म और इसको कहते हैं विकर्म। अब अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है जो कार्य हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराए। तो ये कार्य कुछ ऐसे होते हैं जिससे ना तो हमें पुरस्कार मिलता है और ना ही हमें हमें सजा मिलती है, हमें पनिशमेंट मिलती है, ऐसा नहीं है। तो ये कार्य ये है जो हमें वास्तव में जन्म और मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति दिला देता है, कर्म फल से ही मुक्ति दिला देता है। इस ऐसे कार्यों को हम कहते हैं अकर्म। तो अनुच्छेद एक में प्रभुपाद जी ने बताया है कि कैसे मृत्यु से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, मृत्यु का कारण है वास्तव में कर्म बंधन में फंसे रहना, और उस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे संभव है, उस कर्म बंधन से मुक्ति संभव है अकर्म द्वारा। तो ये जो शब्द है कर्म, जिसका हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसका अर्थ होता है नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना। इसको कई बार सुकर्म भी कह सकते हैं। सुकर्म का मतलब है वे कार्य जो हमें करने चाहिए, विकर्म का मतलब है वे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। तो ये कर्म और विकर्म में एक प्रकार से अंतर है। अब देखिए यहां पर कर्म विकर्म और अकर्म का परिणाम क्या होता है। जब हम विकर्म करते हैं तो हम निकृष्ट जन्म हमको मिलता है। विकर्म का करने का मतलब यह है कि कर्म बंधन में तो हम अभी भी फंसेंगे, लेकिन अब हमारा जन्म क्या होगा, निकृष्ट। सद असद योनि जन्मसु, तो असद योनि में हमारा जन्म होगा। तो विकर्म करना वास्तव में एक बहुत बड़ी मूर्खता है, विकर्म करना बहुत बड़ी मूर्खता है। सुकर्म, सुकर्म मतलब नियत कर्तव्यों के अनुसार, शास्त्र में बताया गया नियत कर्तव्यों के अनुसार यदि हम कर्म करते हैं तो हमें उत्कृष्ट जन्म मिलता है। उत्कृष्ट जन्म का अर्थ यह हुआ अच्छा जन्म मिलेगा, मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, मनुष्य योनि में भी अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, धनी परिवार में जन्म मिलेगा, शिक्षित परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे संभ्रांत माता पिता, संभ्रांत संबंधी होंगे, अच्छा वातावरण होगा, इस प्रकार के उच्च कुलीन परिवार में हमें जन्म मिलेगा। तो सुकर्म करना क्या है, बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य है। लेकिन अकर्म, अकर्म से क्या होता है, हमारा कोई जन्म ही नहीं होगा, हमारा कोई जन्म ही नहीं होगा। वास्तव में हम आत्माएं हैं, हम एक आध्यात्मिक चेतना का कण है, हम अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन बार बार जब हम कर्म के बंधन में फंसे होते हैं, हम शारीरिक जो हमारे जो आकर्षण हैं इस जगत के प्रति, हम उन आकर्षणों में जब हम फंसे हुए होते हैं तब हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, उसे यदि सही मानने में सही दृष्टिकोण यदि उसे प्राप्त हो जाए और वो ये समझ जाए कि हमें इन आकर्षणों में नहीं फंसना है और वह अकर्म का मार्ग अपना ले, तो उसका कोई जन्म नहीं होता, और ऐसा मार्ग जो है वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। सुकर्म बुद्धिमत्ता पूर्ण है, क्योंकि सुकर्म में कम से कम आप जो है वो निकृष्ट जन्म से बच जाते हैं, लेकिन जन्म तो आपको इसमें भी लेना पड़ता है। मृत्यु की जो पीड़ा है वो सुकर्म करने के बाद भी आपको झेलनी पड़ती है। जैसे कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मृत्यु कोई नहीं चाहता है, लेकिन सुकर्म करने के बाद भी जन्म तो मिलना ही पड़ता है।
तो ये बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य इसलिए है कि कम से कम आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण इसलिए है कि भाई जन्म तो फिर भी अपना होना है। तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है अकर्म का मार्ग अपनाना, जिसके अंतर्गत कोई जन्म हमें लेना नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ श्री ईशोपनिषद के तात्पर्य से पढ़ेंगे। मंत्र संख्या दो का एक तात्पर्य जो दिया गया है अनुच्छेद 3 में, उसको पढ़ेंगे। राकेश प्रभु, क्या आप सहायता कर सकते हैं? जी प्रभु जी, वेद हाँ अंततो गत्वा अकर्म की ओर ले जाते हैं। जी, वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। हाँ अभी विराम दीजिए 2 मिनट। अब यहां देखिए अनुच्छेद 3 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद अंततो गत्वा अकर्म की ओर ले जाते हैं। तो पिछले अनुच्छेद में उन्होंने बताया कि भाई अकर्म करने से हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। अब उस कर्म बंधन से मुक्ति जो हमें मिलती है, वो अकर्म को हमें कैसे करना चाहिए? तो यहां पर जो बात लिखी गई है कि वेद वेद अंततोगत्वा अकर्म की ओर ले जाते हैं। अंततोगत्वा का अर्थ यहां पर ये है कि वेद धीरे धीरे हमें अकर्म की ओर ले जाते हैं। पहले थोड़ा सा अकर्म, फिर थोड़ा और अधिक अकर्म, फिर थोड़ा और अधिक अकर्म, धीरे धीरे इस प्रकार से वो हमें पूर्ण रूप से अकर्म की ओर ले जाते हैं, पूर्णतया अकर्म की ओर ले जाते हैं। वो देखिए वही बात यहाँ पहली पंक्ति में जो अभी पढ़ी गई है उसमें बताई गई है, वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। तो भगवान की सत्ता का अनुभव धीरे धीरे करने लगता है, एकदम से नहीं होता है, एकदम से नहीं होता। आज आपने पढ़ा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो कई लोगों को तो झटका लगा लगा हो सकता है कि भाई अरे हम तो सोच रहे थे सब कुछ हमारा है, तो लेकिन यहाँ तो प्रभु जी बता रहे हैं कि नहीं, ये तो सब संपत्ति भगवान की है। तो बड़ी चिंता हो गई कि भाई सब संपत्ति भगवान की है। तो कहने का भाव ये है कि एकदम से इस बात की अनुभूति होना, एकदम से इस बात को समझना कि सब कुछ भगवान का है, एकदम से संभव नहीं है। लेकिन जब हम वेदों की शरण लेते हैं तो वेदों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, वेदों में जो शिक्षाओं का जो क्रम है, शिक्षाओं का जो प्रवाह है, वो इस प्रकार है कि धीरे धीरे व्यक्ति ये बात समझने लगता है कि ये सब कुछ भगवान का है, और धीरे धीरे वो अकर्म की ओर बढ़ता है। अगली पंक्ति पढ़िए। जब वह परमेश्वर अर्थात वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। हाँ, उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली। मतलब अब देखिए ये व्यक्ति जो है जब अपने चरम पर पहुंचता है, अकर्म की जो उसकी जो समझ है, जब पूर्ण रूप से अकर्म की ओर जब वो पहुंचता है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह समझ लेना चाहिए कि अब उसका सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई है। अब वो पूर्ण रूप से समझ गया है कि वास्तव में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुझे कैसे छूटना चाहिए। आगे चलिए। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमोगुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। हाँ, और उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है इस शुद्ध अवस्था में। कौन सी शुद्ध अवस्था में? जिसमें वह ईशावास्यम इदम सर्वम, जब वह परमेश्वर की सत्ता का अनुभव कर ले। परमेश्वर की सत्ता का अनुभव क्या मतलब है? ईशावास्यम इदम सर्वम मतलब सब जगह ईश्वर की सत्ता है, सब जगह ईश्वर का नियंत्रण है। जब इसका अनुभव कर ले तब क्या होता है? तब ना तो सतोगुण उस पर लागू होता है, तब ना रजोगुण उस पर लागू होता है, ना तमोगुण लागू होता है। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वास्तव में यही 3 गुण तो हमारे कर्म बंधन का कारण है। प्रकृति के अंदर ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इन्हीं गुणों के कारण तो हम प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं, इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब हमारा आकर्षण, हमारी आसक्ति यहाँ बनी रहती है, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, हम इस आसक्ति में फंस जाते हैं। तो किस अवस्था में हम 3ों गुणों के असर से पार करते हैं? जब हम ईशावास्य सिद्धांत को समझने लगते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम के सिद्धांत को जब समझने लगते हैं, तो हम रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में कार्य नहीं करते। और जब हमारा जो कार्य होता है वो किस आधार पर होता है? नैष्कर्म्य के आधार पर होता है। नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य मतलब
जिस कार्य को करने से कोई कर्म नहीं लगता, यानी कि नैष्कर्मी किसका पर्यायवाची है, अकर्म का। अकर्म शब्द का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर है, नैष्कर्मी। नैष्कर्मी मतलब कोई कर्म ना तो अच्छा ना बुरा, हमारा उसको फल हमें भोगना पड़ता है, और ये नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता उसमें आ जाती है। चलिए, अब अकर्म जो है उसकी एक सिंपल साधारण एक सरल परिभाषा क्या है। अकर्म का अर्थ वास्तव में है सब कुछ भगवान के लिए करना, या ईशोपनिषद के भाषा में अगर हम बात करें तो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस भावना से सब कुछ करना, ये वास्तव में अकर्म है। तो जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में जब कर्म करता है तो सदैव उसकी चेतना में ये भावना रहती है कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं तो भगवान का ही सेवक हूं। तो ये जो भावना है, ये जो चेतना है, ये वास्तव में अकर्म की भावना है। तो सब कुछ भगवान के लिए करना यह अकर्म कहलाता है, और ऐसी अवस्था में भगवान की कृपा का हर क्षण आभास जीव को होता रहता है। और भगवत गीता का ये जो 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, इसमें इसी बात को यहाँ पर इंगित किया गया। तो 7वां अध्याय का 14वां श्लोक मैं आपके सामने भी पढ़ रहा हूँ। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस जगत में जो माया है, ये गुणमयी जो माया है, रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी, ये जो माया है, ये वास्तव में इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जब जीव मेरी शरण में आता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जीव जब मेरी शरण में आता है तो इस माया से पार वो आसानी से सरलता से कर सकता है। तो भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या है, भगवान की शरण में जाना, ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कर्म करना, सब कुछ भगवान का है इस भावना से कर्म करना, ये सब कुछ वास्तव में क्या है, ये अकर्म है। यही अकर्म की परिभाषा है। और जब हम इस भावना से कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं मायाम एताम तरन्ति ते, तो हम माया को पार कर पाते हैं, इस गुणमयी माया को हम पार कर पाते हैं, हम भगवान के धाम भगवत धाम पहुंच जाते हैं। आइए अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगले अनुच्छेद में आप ध्यान कीजिए, हमने पिछले पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा, वेद अंत तो गत्वा अकर्म की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है, धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे जो सत्ता का अनुभव करता है उसका आरंभ कैसे होता है, वो शुरुआत कैसे होती है। तो जीव जब इस जगत में आता है तो उसकी बुद्धि रहती है कि भाई मैं ये भी आनंद ले लूं, मैं वो भी आनंद ले लूं, मैं सिगरेट का आनंद भी ले लूं, मैं शराब का आनंद भी ले लूं, मैं स्त्री संघ का आनंद भी ले लूं या पुरुष संघ का आनंद भी ले लूं, या मैं मांसाहार का आनंद भी ले लूं, हर प्रकार का आनंद लेने की उसके अंतःकरण में, उसके मन में भावना रहती है। तो भगवान यह कह रहे हैं, प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं कि जो इंद्रिय भोग करने की जो भावना जीव के अंतर्गत, जीव के मन में जन्म जन्मांतर से बैठी हुई है, तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अकर्म की ओर बढ़ने की जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि हम सबसे पहले इंद्रिय भोग की जो भावना हमारे भीतर है उसे भगवान के ऊपर केंद्रित करें। इंद्रिय भोग करने को ईश केंद्रित करने पर आधारित यहाँ पर करने के लिए भगवान प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पहली पंक्ति देखिए, जीव अचानक ईशावास्य सिद्धांत को नहीं समझ पाता, जीव अचानक ही ईशावास्य सिद्धांत को नहीं अपना पाता, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है कि भाई इंद्रिय तृप्ति ही वास्तव में मुझे करते रहना है, इंद्रिय तृप्ति प्रकृति का आकर्षण जो है उसमें पड़े रहना है, जन्मांतर से ये भावना है। तो अचानक से उसे जब ईशावास्य सिद्धांत का अनुभव होता है या बताया जाता है तो वो उसे नहीं अपना पाता। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने का आदि हो चुका है, इंद्रिय तृप्ति भी वो कैसे करता है, या तो अपने लिए करेगा या इंद्रिय तृप्ति अन्यों के लिए करेगा। तो इंद्रिय तृप्ति का स्तर जो है वो भी अलग अलग स्तर का है, या तो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति या अन्य की इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति अन्य की मतलब क्या, भाई मैं तो मांसाहार करूं ही लेकिन मेरा पुत्र भी करे, मेरा समाज भी करे,
उनका भी इस प्रकार से भला हो, तो केवल अपने लिए नहीं अन्यों के लिए भी। इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं विस्तारित इंद्रिय तृप्ति, विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। तो विस्तारित इंद्रिय तृप्ति का उदाहरण क्या है, भाई व्यक्ति चाहेगा कि वो परिवार भी उसका उस प्रकार का इंद्रिय तृप्ति करे, उसका समाज भी करे, उसका राष्ट्र भी करे, और मानवता भी एक प्रकार से इस इंद्रिय तृप्ति के चंगुल में फंसी रहे। तो प्रभुपाद जी देखिए यहां पर बड़ी सुंदरता से इसको समझा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता के लिए विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, जैसे परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद इत्यादि इत्यादि। तो इंद्रिय तृप्ति के जो मैंने आपको उदाहरण दिए, जैसे नशा करना या एक प्रकार से धूम्रपान करना या मांसाहार करना, तो ये इंद्रिय तृप्ति का एक निकृष्ट उदाहरण है, निम्न स्तर के उदाहरण है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के उच्च स्तर के उदाहरण क्या है, अधिक धन कमाना, अधिक संपत्ति अर्जित करना, अपना समाज में बहुत बड़ा नाम होना, समाज के बाद देश में बहुत बड़ा नाम होना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो सुख हैं, जो इंद्रियों के स्तर पर हैं या बुद्धि के स्तर पर हैं या एक प्रकार से अलग अलग स्तर पर हैं, कि भाई मैं एक बहुत बड़ी अच्छी पुस्तक लिखूं, मैं कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हूं तो मैं कोई बहुत अच्छा सिद्धांत ऐसा स्थापित करके जाऊं कि मेरा नाम जो है वो सारी दुनिया में रोशन हो जाए, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए। तो इंद्रिय तृप्ति के अनेक अनेक उदाहरण हैं, और ये इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति अपने लिए भी करता है और फिर इसी इंद्रिय तृप्ति को दूसरों के लिए भी, जो उसके अपने हैं उनके माध्यम से भी वो वास्तव में उनको भी इंद्रिय तृप्ति करते हुए देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब वो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो इसकी इंद्रियों को भी वास्तव में संतोष मिलता है, सुख मिलता है। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि हमें अपने कोई भी कार्य हैं उनको भगवान की ओर मोड़ना चाहिए, भगवान की ओर उनको केंद्रित करना चाहिए। और इसका आरंभ कैसे होता है, इसका आरंभ होता है जो भी हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं उनको ईश केंद्रित बनाकर, उनको भगवान को केंद्र में लाकर हमें वो इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने चाहिए। तो ये देखिए यहां पर देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, जब हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में भगवान को केंद्र में लाते हैं, ईश्वर को केंद्र में लाते हैं, तो ऐसे कार्यों को क्या कहा गया है, ऐसे कार्यों को कहा गया है कर्मकांड, कर्मकांड। जैसे हमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो उससे कहा जाएगा कि सूर्य देव की उपासना करो। किसी व्यक्ति का खेतीबाड़ी का काम है, वो वर्षा नहीं हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा कि भाई इंद्र देवता की उपासना करो, इंद्र की पूजा करो तो तुम्हारे को वर्षा की प्राप्ति होगी। किसी व्यक्ति को अच्छी पत्नी चाहिए तो उसे कहेंगे कि भगवान शंकर की प्रार्थना कीजिए, उमा भगवान भगवती की प्रार्थना कीजिए तो आपको अच्छा वर देंगी, अच्छी वधु देंगी। तो कहने का भाव ये है कि पहले भी व्यक्ति इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति किया करता था, लेकिन अब वो इंद्रिय तृप्ति कर तो रहा है लेकिन ये मानकर कर रहा है कि इस जगत के अंदर कोई ऊंची शक्तियां हैं जिनके माध्यम से मैं ये इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूं। तो इंद्रिय तृप्ति के केंद्र में अब क्या है, ईश्वर है। यहां पर मैंने देवी देवताओं का उदाहरण दिया लेकिन वास्तव में वो ये मान रहा है कि कोई ऊंची शक्ति है जिसके माध्यम से मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूं। तो यहां देखिए जीव अचानक ईशावासी सिद्धांत को नहीं समझ पाता है, नहीं अपना पाता है, लेकिन उसकी आरंभ कैसे करते हैं, उसकी आरंभ होती है कि भाई इंद्रिय तृप्ति जो भी करो उसमें ईश्वर को केंद्र में रखो। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि हम ईश्वर को केंद्र में नहीं रखेंगे तो सब व्यर्थ है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ये बात लिखी गई है, नेहा भी क्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। तो वहां उस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई यदि तुम इस प्रकार से ईशावास्यम इदम सर्वम के सिद्धांत से यदि तुम अपना युद्ध करोगे, तुम अपनी बुद्धि लगाकर युद्ध से भाग रहे हो लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि युद्ध करो, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और यदि तुम इस प्रकार से युद्ध करोगे, भगवान की चेतना में युद्ध करोगे, भगवान को केंद्र में रखकर युद्ध करोगे,
तो भगवान कहते हैं नेहा भी क्रमो नाश्वस्ति, थोड़ी सी भी प्रगति तुम इस यदि पथ पर करते हो तो बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षा करेगी। तो भगवत पथ में थोड़ी सी प्रगति भी बड़े भय से हमारी रक्षा करती है। और फिर यदि हम, और ये बड़े से बड़ा भय कौन सा है, यदि हम इस प्रकार से ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कर्म नहीं करते हैं तो बड़े से बड़ा भय कौन सा है, बड़े से बड़ा भय है 84 लाख योनियों के गर्त में हम पुनः ना गिर जाएं। ये बड़े से बड़ा भय। एक उदाहरण अजामिल का बार बार दिया जाता है। अजामिल जो था वो अपने जन्म में ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ, लेकिन एक एक वेश्या के संपर्क में आने से, एक सामाजिक स्त्री के संपर्क में आने से, समाज का जो एक इंद्रिय तृप्ति करने का कार्य करती है, एक ऐसी स्त्री के संपर्क में आने से उसने अपना जो ब्राह्मणत्व था, उसने अपना जो सत्व था वो सब समाप्त कर दिया और पाप कार्यों में वो संलग्न हो गई। लेकिन अंततोगत्वा जब उसने भूल से भगवान का नाम रटा, भगवान का नाम जपा नारायण, तो यमदूतों से उस आध्यात्मिक क्रिया को करने से यमदूतों से उसकी रक्षा हुई। तो बाद में अजामिल की बुद्धि सुधरी, बुद्धि संभली और उसने पुनः अपने आप को ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन उसने ढाला और फिर वो वास्तव में भगवत चेतना को प्राप्त हुआ। अपना अंततोगत्वा उसने अपना ये जो इस जगत में जो उसका कार्य था उसको पूरा किया। तो निम्न योनि में यदि हम पड़ जाएं तो ऐसे जीवन का क्या लाभ, यदि हम अजामिल की तरह ही अपना जीवन जीते रहे हैं, पाप पूर्ण जीवन जीते रहे हैं, तो ऐसे जीवन को जीने के बाद अंततोगत्वा हमें निम्न योनि ही मिलने वाली है। तो निम्न योनि में यदि हमारा लंबा जीवन हुआ भी तो उससे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में वृक्ष का। वृक्ष जो है कई सौ वर्ष जीते हैं लेकिन इस निम्न योनि में इतना लंबा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं। सुअर है, कुत्ता है, ऊंट है, धौकनी है, इनका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा जीवन, मनुष्य का ऐसा जीवन जो ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ईश्वर को केंद्र में रखकर नहीं जिया गया है, वो तो एक लुहार जो होता है केवल उसकी धौकनी के समान है। धौकनी क्या करती है, लुहार अपनी धौकनी को बार बार फुलाता है, उससे से हवा निकालता है, उससे अपनी अपना कार्य चलाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को अपने जीवन के केंद्र में नहीं रखा है, केवल सांस छोड़ रहा है और ले रहा है, सांस छोड़ रहा है और ले रहा है, तो वो किस समान है, वो उस लोहार की धौंकनी के समान है जो सिर्फ हवा छोड़ती है और भरती है, हवा छोड़ती है और भरती है, वो केवल एक मृत चमड़े की धौंकनी, किसी काम की नहीं है। इसके विपरीत एक विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार से कहीं अच्छा है। कोई छोटा सा जीवन हो, विनीत भाव से जी रहा हो लेकिन ईश्वर पर केंद्रित हो, उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बहुत परोपकार कर रहा है लेकिन ईश्वर विहीन है, उसका कोई लाभ नहीं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि यदि जीवन के केंद्र में ईश्वर नहीं है तो वास्तव में सब व्यर्थ है, क्योंकि अंततोगत्वा ऐसा जीवन जीने के बाद आपको जन्म और मृत्यु के चक्र में ही पड़ना है। तो भाई जब जन्म और मृत्यु के चक्र में ही पड़ना है तो फिर क्या लाभ हुआ, जीवन जीने का कोई लाभ नहीं। तो अब इस अनुच्छेद 6 में इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। परोपकार का कार्य भी ईशावास्य भावना से करें, परोपकार का कार्य भी ईशा भावना कार्य से करें। तो हमने देखे कहां छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि वेद हमें अकर्म की ओर धीरे धीरे ले जाते हैं, और उसकी शुरुआत कहां से होती है, आरंभ कहां से होता है, कि हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को भी भगवान को केंद्रित में करना करके करना सीखें। इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं लेकिन भगवान केंद्र में है, कोई बात नहीं, आप आनंद लेना चाहते हैं जीवन का लीजिए, लेकिन केंद्र में भगवान को फिर भी रखिए, भगवान से मांगिए, बजाय इसके ये कहने के कि भाई मैं स्वयं अपने प्रयासों से कर रहा हूं, भगवान से मांगिए, वो कहीं उससे ज्यादा श्रेयस्कर है। उसके बाद फिर उसको हमने बताया, उस विधि को क्या कहते हैं, कर्मकांड। अब उसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। तो कर्म का अंड के बाद जो अगला स्तर आता है वो है परोपकार का जो कार्य करते हैं, परोपकार का जो कार्य करें वो भी ईशावास्य भावना से ही हम करना सीखें। तो परोपकार प्लस ईश्वर, इसको हम क्या कहते हैं, कर्मयोग। तो पहले हमने पढ़ा कर्मकांड, कर्मकांड मतलब इंद्रिय तृप्ति प्लस ईश्वर है,
सेंस ग्रेटिफिकेशन प्लस गॉड, वो हो गया कर्मकांड, और अब यहाँ क्या है परोपकार प्लस ईश्वर, ये हो गया कर्मयोग। कि हम अच्छा कार्य तो करें, निष्काम भावना से कार्य करें, कर्तव्य की भावना से कार्य करें, लेकिन उसको उसमें भी ईश्वर को यदि हम केंद्र में लाते हैं तो ऐसा कार्य क्या बन जाता है, ऐसा कार्य बन जाता है कर्मयोग। परोपकार प्लस ईश्वर कर्मयोग। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ईश केंद्रित कार्य अधूरे रहने पर भी शुभ होते हैं, अगले जन्म में मनुष्य योनि सुनिश्चित। यहां पर प्रभुपाद जी वास्तव में भगवद गीता के छठवें अध्याय के जो अंतिम कुछ श्लोक हैं उनका उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। तो उन श्लोकों में हमने देखा कि कैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन उनसे एक प्रश्न पूछता है कि प्रभु यदि मैं अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार में, आध्यात्मिक जीवन में यदि पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया, यदि मेरा कार्य अधूरा रह गया, तो फिर ऐसे योगी की क्या गति होती है। तो भगवान उसे बताते हैं कि भाई वो भी जो गति है योगी की उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, उसमें भी तुमको कुछ लाभ ही मिलेगा। तो ऐसे योगी को अगले जन्म में या तो उसे किसी अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलेगा जहां पर उसे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जहां पर वो उन सुख सुविधाओं के माध्यम से अपना जीवन में अधिक आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर सकता है, नहीं तो उसे भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, योगियों के परिवार में जन्म मिलेगा। योगियों के परिवार में जन्म मिलने से उसे एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा जिसमें वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति बड़े सरलता से कर सकता है। तो ईश केंद्रित कार्य अधूरे रहने पर भी शुभ होते हैं, अगला जन्म जो है मनुष्य योनि में सुनिश्चित है। अब प्रभुपाद जी ने बताया कि इंद्रिय तृप्ति का कार्य करोगे उसमें भी ईश्वर को लेकर आओ, परोपकार का कार्य करो उसमें भी ईश्वर को लेकर आओ। अब यहां पर वो अपना अगला उदाहरण दे रहे हैं। अगला उदाहरण क्या दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, जैसे देशभक्ति के गीत आपने सुने होंगे, स्वतंत्रता दिवस पर चलते हैं इत्यादि इत्यादि। तो राष्ट्रभक्ति भी क्या है, राष्ट्रभक्ति भी वास्तव में एक प्रकार से विस्तारित इंद्रिय तृप्ति ही है और कुछ नहीं है। अगर ईश्वर के ऊपर केंद्रित नहीं है तो वह राष्ट्रभक्ति भी केवल विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है। कि भाई राष्ट्रभक्ति क्या है कि भाई मैं तो सुखी हूं लेकिन इस राष्ट्र के जितने लोग हैं वो सब सुखी रहें, मैं सिर्फ इन राष्ट्र के लोगों के लिए लोगों के प्रति समर्पित रहूं, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूं, ये राष्ट्र के लोग जो है अच्छा जीवन जिए, अच्छा व्यवहार करें इत्यादि इत्यादि। तो राष्ट्रभक्ति भी विस्तारित एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन से अधिक कुछ नहीं है। यहां अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं राष्ट्रभक्ति किस आधार पर हम करते हैं, हम अपने आप को, हम अपनी पहचान को इस प्रकार से विस्तारित करते हैं कि भाई मैं एक भारतीय हूं, या मैं एक अमरीकी नागरिक हूं, या मैं एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं, इस प्रकार से। तो हम राष्ट्रभक्ति को ईश केंद्रित कैसे कर सकते हैं, तो राष्ट्रभक्ति को ईश केंद्रित करने के लिए हमें ऐसे लोगों को आध्यात्म के प्रति उनको प्रेरित करना चाहिए। शारीरिक पहचान का प्रयोग आध्यात्म में प्रेरणा के लिए करें। इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय है, उसको हम ईशावास्य सिद्धांत की ओर कैसे ला सकते हैं। अरे भाई तुम तो भारत के हो, भारत में तो इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए गए हैं, भगवद गीता, श्रीमद भागवत, रामायण, तुम तो ऐसे देश के निवासी हो जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश में इतने बड़े बड़े महान संत, महान ऋषि हुए हैं, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से जब हम उस व्यक्ति को उसकी चेतना को, जिस चेतना में वो अपने आप को राष्ट्र से एक अपनी पहचान को राष्ट्र से जोड़ता है, तो उसके राष्ट्र की पहचान को ही हम उसको आध्यात्म की ओर हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको केंद्रित कर सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका का हो, तो उसके लिए हम, या इंग्लैंड का हो, या किसी बड़े विकसित देश का हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई अमेरिका के लोग तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए माने जाते हैं, बड़े बड़े कार्य को वो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, अमेरिका वास्तव में इस पूरे विश्व का अग्रणी नेता है, ये देश जो है सबसे आगे है विश्व में, तो इस देश को वास्तव में इतने महान कार्य को करने में सबसे आगे रहना चाहिए, जैसे भगवान का प्रचार करना, भगवान के नामों का गुणगान करना, ईशावास्य इदम सर्वम, इस भावना को, इस सिद्धांत को पूरे जगत में इसका व्यापक रूप से प्रचार करना, इस सिद्धांत के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। तो उनकी जो
देशभक्ति की जो पहचान है, राष्ट्र की जो उनकी पहचान है, उसको प्रेरित करते हुए हमें उसे भगवान की ओर उसको मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने देखा इंद्रिय तृप्ति को हम कैसे ईश केंद्रित कर सकते हैं, परोपकार की भावना को हम कैसे ईश केंद्रित कर सकते हैं, राष्ट्र भक्ति की भावना को हम कैसे ईश केंद्रित कर सकते हैं। तो राष्ट्र भक्ति की ये जो भावना है, शारीरिक पहचान से संबंधित जो हमारी ये जो भावना है, इसको हम देखते हैं कि भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कैसे प्रेरित करते हैं। तो देखिए भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो 13वां श्लोक है उसमें क्या कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो शरीर है ये अभी बच्चे के रूप में है, फिर धीरे धीरे जवान होगा, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होगा, लेकिन इस शरीर के बीच के अंदर जो आत्मा है वो जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा तो वो आत्मा दूसरा शरीर ले ले। तो मूल सिद्धांत जीवन का आत्मा है, शरीर नहीं है। तो 13वें श्लोक में भगवान जो है वो आत्मा के सिद्धांत पर बल देते हैं, शरीर के सिद्धांत को एक प्रकार से निम्न स्तर का बताते हैं। लेकिन अगले ही श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो ऐसे नामों से बुलाते हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे अर्जुन की शरीर को ही संबोधित कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिनो नित्यस तांति तिक्षस्व भारत। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कौन्तेय, इस श्लोक में अर्जुन को क्या कह रहे हैं भारत। तो कौन्तेय का मतलब क्या, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम इतनी महान स्त्री के पुत्र हो, तुम इतने महान खानदान से आते हो, इतने महान परिवार से आते हो, कुल से आते हो, फिर भारत, तुम तो भरत के वंश के हो, तुम राजा भरत जिसके नाम पर इस पूरे देश का नाम भरत पड़ा उसके वंश के हो। तो कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उसकी शारीरिक पहचान के आधार पर उसको प्रेरित कर रहे हैं कि वह आध्यात्मिक जीवन को, ईश केंद्रित जीवन को, ईशावास्यम इदम सर्वम इस सिद्धांत पर चलने वाले जीवन को उसको स्वीकार करें। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि परोप इंद्रिय तृप्ति को ईश केंद्रित करना, परोपकार को ईश केंद्रित करना, और फिर राष्ट्र भक्ति या शारीरिक अपनी जो पहचान है उसको ईश केंद्रित हम कैसे कर सकते हैं। फिर अगला उदाहरण रूपा जी दे रहे हैं कि भोजन वितरण जैसे परोपकार के कार्य को भी हम ईश केंद्रित कैसे कर सकते हैं। तो भोजन वितरण करना, अन्नदान करना, भूखे को भोजन खिलाना, समाज में इस प्रकार का परोपकार कई लोग करते हैं, लेकिन यही परोपकार हम उसको ईश केंद्रित कैसे बना सकते हैं, उसी अन्न को, उसी भोजन को यदि हम भगवान को प्रेम पूर्वक उसका भोग लगाएं और उस भोजन को प्रसाद में परिवर्तित करें, भगवान की सत्ता को उसको हम स्वीकार करें, भगवान के स्वामित्व को हम स्वीकार करें और उस भोजन को भगवान का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में जब हम समाज में उसका वितरण करें, तो न केवल शरीर को वो सुख पहुंचाएगा बल्कि आत्मा को भी, आध्यात्मिक प्रगति में भी वह सहायक होगा। वो व्यक्ति जो इस भोजन को प्राप्त करेगा वो अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाएगा और उस प्रसाद के अंदर, उस भोजन के अंदर जो आध्यात्मिकरण उसका हमने कर दिया है भगवान को अर्पण करने के बाद, तो वो उस व्यक्ति चाहे उसे समझे या ना समझे, लेकिन चूंकि वह भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान का झूठा भोजन है, वह उसके मानसिक स्तर पर या उसको आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर भी उसको लाभ पहुंचाएगा। इसी तरह से हमें प्रभुपाद जी के जीवन में कथा देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी जहां भी प्रचार करने के लिए जाते थे तो जिन लोगों के साथ भी वो होते थे, चाहे वह भौतिक जगत में किसी भी कार्य में लगे हुए हों, उनको किसी ना किसी प्रकार से भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास किया करते थे। तो एक कथा ये है, एक कहानी ये है कि प्रभुपाद जी एक बार एक अखाड़े में गए। अखाड़ा वो जगह होती है जहाँ पहलवान कुश्ती करते हैं, कुश्ती का अभ्यास करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब अखाड़े में कई पहलवानों से मिले तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं आप बड़े बलवान हैं, शरीर का हृष्ट पुष्ट कर रहे हैं और समाज में चाहिए हमें ऐसे व्यक्ति जो समाज में बलशाली हो, जो समाज की रक्षा कर सके, ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि उस अखाड़े में हनुमान जी का भी चित्र लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा, अरे वाह, आपने हनुमान जी का चित्र यहाँ लगा रखा है, तो हनुमान जी ने भी बड़े बलशाली कार्य अपने जीवन काल में करे हैं,
लेकिन हनुमान जी जो थे वो भगवान राम के भक्त थे, वो सदैव जो भी कार्य करते थे उसमें भगवान का नाम लिया करते थे। तो आप लोग भी जब अपना अपना व्यायाम करो, अपनी कुश्ती करो, है तो जब अपना व्यायाम करो, अपने दंड दंड बैठक आप अपनी लगाओ तो राम का नाम लो, दंड बैठक लगाई राम 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 इस प्रकार से। तो कहने का भाव ये है कि प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य में लगा हुआ हो, उसको प्रेरित करते थे कि कैसे वो उस कार्य को ईश केंद्रित करें, ईशावास्यम इदम सर्वम के सिद्धांत की ओर लेकर आए। तो ये देखिए, ये इस मंत्र का तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था या बीच में जैसे मैंने समझाया था कि ईशावास्य का सिद्धांत जीव को जब बताया जाता है तो वो एकदम से उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, धीरे धीरे उसका स्वीकार करता है। उसका प्रथम चरण है कि कैसे वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के ईश केंद्रित कर उसको स्वीकार करे। तो ये जो स्लाइड है इसमें ये चीज बताई गई है कि कैसे हम धीरे 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 सीढ़ी सीढ़ी एक एक कदम बढ़ाते हैं अकर्म की ओर, ईशावास्यम इदम सर्वम की ओर। वो हम कैसे बढ़ाते हैं? सबसे पहले व्यक्ति नास्तिक होता है, वो कहता है भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। धीरे 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 वो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आता है, धीरे धीरे वो ये समझने लगता है कि हाँ भगवान का अस्तित्व है। या ईशावास्यम इदम सर्वम का सिद्धांत किसी प्रवचन में सुनता है तो समझने लगता है कि हाँ नहीं भगवान का अस्तित्व तो है। तो देखिए यहाँ प्रगति हुई, पहले वो नहीं मानता था, अब वो कम से कम इतना स्वीकार करने लगा है कि कोई ऊंची शक्ति है, कोई श्रेष्ठ शक्ति है जो इस जगत को चला रही है। तो भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान का अस्तित्व है, ये प्रगति हुई। और फिर भगवान का अस्तित्व कहाँ है? भगवान का अस्तित्व एक व्यक्ति कहता है चारों ओर है, और कहीं नहीं है, भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है भाई चारों ओर तो है, जब चारों ओर है तो मंदिर में भी है, लेकिन मंदिर में ऐसा विशेष वातावरण होता है कि वहां भगवान की उपस्थिति को आप विशेष रूप से अनुभव कर सकते हैं। आप यहाँ पर मान लीजिए किसी भैंस के तबेले में चले जाएं तो वहां भगवान की अनुभूति होना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप मंदिर में चले जाएं तो वहां भगवान की अनुभूति होना सरल है। तो भगवान का अस्तित्व है, भगवान चारों ओर है, लेकिन भगवान विशेष रूप से मंदिर में है क्योंकि वहां भगवान से संबंधित विषयों के ऊपर चर्चा होती है, भगवान के विषयों से संबंधित इस प्रकार का वहां पर वातावरण होता है। तो भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान का अस्तित्व है और भगवान मंदिर में भी है। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति चाहता है कि जो भगवान मंदिर में है उनकी स्थापना वो मेरे घर में भी हो। तो धीरे धीरे भगवान जो है मंदिर में, मंदिर से उठकर धीरे धीरे उस व्यक्ति के घर के अंदर आते हैं। वो चाहता है कि भगवान का जो एक मंदिर है वो अपने घर में भी बनाए। और फिर भगवान का मंदिर घर में तो बना लिया, लेकिन जीवन यापन अभी भगवान के केंद्र में रखकर अभी भी नहीं हो रहा। धीरे धीरे फिर और प्रगति होती है, मंदिर जो है वो घर का केंद्र बनने लगता है। मंदिर के चारों ओर भगवान उस घर का कार्यक्रम चलता है। सुबह उठते ही वहां पर पूजा होती है, आरती होती है, जो घर में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो जब स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले पहले भगवान के सामने दीपक का अर्पण करते हैं, आरती में भाग लेते हैं। उस घर के अंदर जो भी बनता है वो पहले भगवान को अर्पण किया जाता है और फिर वो परिवार के लोग प्राप्त करते हैं। तो मंदिर जो है वो घर का केंद्र बन जाता है। और इस प्रकार से नियमित रूप से लंबे समय तक जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो एक दिन आता है जब भगवान का मंदिर हमारे हृदय में बन जाता है। और यही है ईशावास्यम इदम सर्वम, यही है अकर्म की अवस्था। इसी अवस्था में जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह नैष्कर्म्य होता है, वह अकर्म होता है, वह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित होकर किया जाता है कि भगवान ही इस जगत के मालिक हैं, इस जगत के स्वामी हैं। तो धीरे धीरे हमारे घर में भी मंदिर की स्थापना हो जाती है। और अंततोगत्वा आज की कक्षा का अंत हम इस अंतिम स्लाइड से करेंगे, ईश केंद्रित कार्य हम कैसे करें। अनुच्छेद 7 में प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु का उल्लेख किया है। तो मैंने आपको बताया कि ईश केंद्रित जीवन बनाने में बड़ा समय लगता है, अलग अलग स्तर पर हमें उसको हम जाते हैं तब वो हम ईश केंद्रित कार्य कर पाते हैं।
तो प्रभुपाद जी यहाँ अंतिम अनुच्छेद में लिखते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक जो संस्कृत में लिखी हुई है उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया है, उसका नाम है भक्तिर सामृत सिंधु, अंग्रेजी में उसका टाइटल है नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे श्रील रूप गोस्वामी ने, एक वैष्णवाचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने कैसे हमें इस प्रकार का विज्ञान सिखाया है कि हम अपना पूरा जीवन जो है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, अकर्म कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है, भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, यानी कि अकर्म की जो चरम अवस्था है, अकर्म की जो टॉप मोस्ट अवस्था है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं कि भक्ति सामृत सिंधु जो एक पुस्तक है, जो कि हम आने वाले भविष्य में इस पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे, उस पुस्तक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का विज्ञान क्या है, भक्ति करने के जो 64 प्रमुख अंग हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने वहाँ पर लिखी हैं और अंत किया है उन्होंने अपना इसी पुस्तक के विवरण के साथ कि हम यदि श्रेष्ठतम ईशावास्यम इदम सर्वम का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो ये भक्ति सामृत सिंधु पुस्तक में बताई गई विधि विधानों का यदि हम पालन करें तो हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं उसका अंत करेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई आपकी टिप्पणी है, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विभा गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, राजलक्ष्मी माता जी आपका स्वागत है, सुषमा जी आपका स्वागत है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत जी बताइए। गुरु की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। बहुत ही अच्छा क्लास का आज रहा, इतना अच्छी कंटिन्यूटी और इतनी सरल तरीके से आपने उसको समझाया कि वाकई बहुत अच्छा लगा। पता चला कि जीवन में कितना आसान तरीका है और कितना सिस्टमैटिक है जी। बिना नियम के कुछ नहीं है, तो नियम में सब कुछ है, नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा, नियम के अनुसार ही सारा। ये लगता था कि भक्ति कोई ऐसी बात नहीं है, कैसी कर लो, कहीं पर भी बैठ के कर लो, कैसे भगवान का हरे ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर दे समझो भक्ति हो गई। नहीं, ये तो मैं रियली बहुत सरल तरीके से गुरुओं की जय कि भाई इतना अच्छा, इतने सरल तरीके से तरीके बताए और नियम बताए। एंड एक वो जो मास का बहुत अच्छा लगा कि वो उसको बोलना कि भाई इस जन्म में अगर मैं तेरे को भोग कर रहा हूँ तो तू भी अगले जन्म में मेरा भोग कर सकता है, भोग कर सकता है। देखो कितनी मतलब वो है, कृतज्ञता है, कितना वो धन्यवाद है कि उसके मन में कि इस जन्म में अगर मेरे को ये अपना भोग करने दे रहा है तो उसको पता है कि अच्छी बात नहीं, मैं अपने कुछ थोड़े बहुत स्वाद के लिए ये जो कर रहा हूँ या थोड़ी भूख के लिए, पर अगर साथ में उसने अपना अर्पण कर दिया जी। ये बहुत अच्छी बात है कि खुद भी वो समर्पण करता है कि भी अगर मैं तेरा भोग कर रहा हूँ तो तू भी जी मेरा भोग कर तो सकता। इस बात को बोलते रहने से उसके मन में एक दिन भाव ये आता है कि भाई ऐसा करना ही क्यों है, करना ही क्यों है, करना ही क्यों, तो वो छोड़ देता है अपने मेरे वही मुंह से छीन लिए शब्द कि वो फिर वो ऐसे कहते कहते उसको समझ में आ जाएगी कि भाई मैं खाऊं क्यों, खाऊं बिल्कुल जी, तो इसके बिना भी मेरा चल सकता है जीवन निर्वाह जी। तो मैं इसको क्यों खाऊं जी। कि तो पहले क्लास से आपने ये जो एक संयम और एक नियम बताए हैं अल्टीमेटली कि जो कुछ भी करें एक संयम से करें, एक नियम से, एक सिस्टम से जी। सरेंडर करना है वो भी एक सिस्टम है जी। याद रखना है वो भी एक सिस्टम है जी प्रभु।
चलिए अब मैं अन्य भक्तों से भी पूछ लूं, उनके भी जी विचार विचार जी ले जी लूं। गुरु जी, जी जय गुरु जी, जय प्रभु, हरे कृष्ण। अन्य धन्यवाद। भक्तों का कोई विचार है, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई टिप्पणी है आपकी? रविंद्र प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आपका विश्लेषण रहता है जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जीने की कला सीखने को मिल रही है जी, बहुत सुंदर। ईशावास्यम इदं सर्वम् जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रीति माता जी, आपके लिए स्पीड ठीक रही, आपको समझ में हाँ आया? हाँ सर, बराबर है। मतलब जी, मुझे ये बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वही लगता है कि हमको सब काम कार्य भगवान को सेंटर में रख के ही करना चाहिए। जी जी हाँ, कभी कभी हमारे से गलत काम भी हो जाता है फिर, लेकिन हमें वो करने पड़ते हैं। लेकिन आई थिंक वो टू हमें भगवान को सेंटर में रख के सब कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यही संदेश है, यही संदेश है, और ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, यही सब पढ़ने वाले इस पुस्तक में। हाँ, हाँ सर। चलिए चलिए, अन्य कोई विचार, अन्य कोई टिप्पणी, नहीं तो फिर हम कक्षा को समाप्त करेंगे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सर, कक्षा नेक्स्ट क्लास यही कंटिन्यू करेंगे कि राम जन्म के लिए का करेंगे हम लोग। ये आपने अच्छा विचार बताया, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं था उस बारे में। यदि आप भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं तो रामनवमी के ऊपर एक कथा कर सकते हैं बुधवार को। ओके सर, जैसे सबको ठीक लगे। बताइए, वोट कर लेते हैं अभी, जो लोग राम कथा को वोट करेंगे तो हम राम कथा कर लेंगे, उस पर कुछ ना कुछ तैयारी कर लेंगे। प्रभु जी अच्छा रहेगा, राम कथा करा दीजिए। राम कथा करें, देखिए जी, इट्स अ गुड ब्रेक, गुड ब्रेक। हां सर, शॉर्ट में हां, राम कथा का भी। तो कितनी कितनी कक्षाएं चाहिए, एक दो कितनी? सर आपके ऊपर है। कितनी? एक दो 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 कक्षाओं का ब्रेक, ठीक है जी। तो दो कक्षाएं करेंगे, दो कक्षाएं करेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जम्बूना, ओ जीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आयुष्मान शिव सिंह।